हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। डियर गाइज, आज हम शरीर में होने वाली कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की इंग्लिश बताने की कोशिश करूंगा जो कि अक्सर लोग यूज करते हैं लेकिन उसकी अंग्रेजी से वंचित रह जाते हैं। तो आइए देखते हैं शरीर में होने वाली कुछ गतिविधियों को उसकी अंग्रेजी के साथ, वो भी सेंटेंस के माध्यम से। सबसे पहले शुरू करते हैं, पहला शब्द हम लेते हैं डकारना। कोई चीज़ खाने या पीने के बाद अक्सर लोगों को डकारें आती हैं, तो डकारना को इंग्लिश में बेल्च कहा जाता है, BELCH, बेल्च मीन्स डकारना। अब इसको किस सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे वे पानी पीने के बाद वे पानी पीने के बाद डकारते हैं। तो दे बेल्च आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, दे बेल्च आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, वे पानी पीने के बाद डकारते हैं। अगली एक्टिविटी देखते हैं जो कि होती है, अक्सर लोग जब फ्री होते हैं, आज़ाद बैठे होते हैं, कुछ काम नहीं करना होता, आइडल बैठे होते हैं, तो एक बहुत ही प्रसिद्ध काम करने लगते हैं, वो है उंगली चटकाना। उंगली चटकाना को अंग्रेजी में क्रैकिंग द नकल्स कहा जाता है, क्रैकिंग द नकल्स, KNUCKLES, क्रैकिंग द नकल्स। अब इसको सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। जैसे वह उंगलियां चटका रही थी, तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, सी वाज क्रैकिंग द नकल्स, वह उंगलियां चटका रही थी। उसके बाद अगला देखते हैं, कभी कभी मौसम बदलने के साथ साथ इस गतिविधि को किया जाता है, वो है छींकना। तो छींकना को इंग्लिश में स्नीज बोला जाता है। उसको सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, आई एम स्नीजिंग ए लॉट, मुझे बहुत अधिक छींकें आ रही हैं। फिर और थोड़ा आगे चलते हैं, उस गतिविधि को इंग्लिश में देखते हैं जो एक निश्चित उम्र के बाद एकदम कॉमन सी हो जाती है, और वो है खांसना। इसको इंग्लिश में कफ बोला जाता है। इसको सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। जैसे वह खांस रहा था, ही वाज कफिंग, आईएनजी लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस में है, रहा था, रही थी लगा है, ही वाज कफिंग, वह खांस रहा था। अगला शब्द है जो कि अक्सर लोग रात में अधिक देर तक मोबाइल पर चैटिंग वगैरह किया करते हैं, फेसबुक पर जुड़े रहते हैं, तो वो सुबह के समय जब काम करने का समय होता है या क्लास में पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत अधिक इस एक्टिविटी को करना पड़ता है, और वो एक्टिविटी है उबाशी या जम्भाई। ये अक्सर रात में जागने की वजह से सवेरे इसका असर बहुत अधिक होता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं यान, YAWN, वान। अब इसे सेंटेंस देख लेते हैं। वह मीटिंग में जम्भाई लेता है, तो ही yawns during the meeting,
ड्यूरिंग द मीटिंग, यानी मीटिंग के दौरान या मीटिंग के समय वह जम्हाई लेता है। अगला देख लेते हैं। अगली शरीर की एक्टिविटी ऐसी है जिसके करने पर अक्सर लोग हंसने लगते हैं, तो बहुत से लोग इसको छिपा कर करते हैं और बहुत से लोग ऐसे ही इसको कॉमन सी बात समझ करके कर देते हैं, और उसको कहा जाता है पादना या पाद मारना। पादना या पाद मारना, इसके लिए अंग्रेजी में फार्ट का प्रयोग होता है, FART, फार्ट। फार्ट का मतलब होता है पादना। सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कक्षा में मत पादो, कक्षा में मत पादो, तो डोंट फार्ट इन द क्लास, कक्षा में मत पादो। फिर और आगे चलते हैं। अक्सर रात के समय कुछ लोगों की आदत होती है कि सोते समय इस एक्टिविटी को बहुत अधिक प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं खर्राटे, खर्राटे। तो इसके लिए इंग्लिश में स्नोर का प्रयोग होता है, SNORE, स्नोर। स्नोर का मतलब खर्राटे मारना या खर्राटे लेना। सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वह जोर जोर से खर्राटे ले रही थी, वह जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। शी वाज स्नोरिंग, शी वाज स्नोरिंग लाउडली, जोर जोर अर्थात बहुत तेज, वह जोर जोर से खर्राटे ले रही थी। शी वाज स्नोरिंग लाउडली। और एक आध एक्टिविटी और देख लेते हैं आगे बढ़ते हुए। अगला शब्द प्रयोग करेंगे दुख सूचक शब्द है। जब कभी बहुत अधिक दुख होता है या थकान होती है तब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वो एक्टिविटी है कराहना। कराहना, इसको इंग्लिश में मोन या फिर ग्रोन, ग्रोन भी कहा जाता है और इसको मोन भी कहा जाता है। सेंटेंस में प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे वह दर्द से कराह रही थी, वह दर्द से कराह रही थी। शी वाज ग्रोनिंग विथ पेन, इस प्रकार से कराहना हो गया। और आगे थोड़ा देख लेते हैं। लोग का कुछ लोगों का मानना है कि जब कोई बहुत ही प्रिय व्यक्ति या पर्सन किसी को याद करता है तब यह एक्टिविटी एकदम आम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं हिचकी, हिचकी या हिचकी आना। इसे इंग्लिश में हिकअप बोला जाता है, HICCUP, हिकअप। हिकअप का मतलब हिचकी या हिचकियां आना। सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम्हें हिचकियां आती हैं, क्या तुम्हें हिचकियां आती हैं? डू यू हिकअप, अर्थात क्या तुम्हें हिचकियां आती हैं। और एक और देख लेते हैं। अक्सर जब हमें किसी को बुलाना होता है या उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना होता है तो उसे इंडिकेट करने के लिए इस एक्टिविटी का प्रयोग किया जाता है, जिसको बोला जाता है चुटकी बजाना, चुटकी बजाना। जैसे यह काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा, तो चुटकी बजाने का मतलब होता है स्नैप द फिंगर्स, स्नैप द फिंगर्स, चुटकियां बजाना। सेंटेंस देख लेते हैं। हमें चुटकी नहीं बजानी चाहिए, हमें चुटकी नहीं बजानी चाहिए। वी शुड नॉट स्नैप द फिंगर्स, हमें चुटकियां नहीं बजानी चाहिए। डियर गाइज, इस प्रकार से कुछ शरीर की ये एक्टिविटीज थी जिसे हमने इंग्लिश में बताने की कोशिश की।
आई होप आप लोगों के नॉलेज में कुछ ना कुछ ज़रूर इंक्रीजमेंट होगा। और इसी के साथ अगले वीडियो में फिर कुछ ऐसी ही जानकारी के साथ मैं फिर से उपस्थित हूँगा। धन्यवाद।